स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 9 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड ईयर का था। हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में बात की और बेंजीन का हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर रिजेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्या क्यूल ने इसका स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि बेंजीन का कौन कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, और उसके बाद आज हम आएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार्बन की, बहुत ही आसान सा और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, ठीक होगी बात। और अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम ये कर देंगे इसके वो कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसके जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो आ जाएंगे वो आ जाएगा नंबर एक, आपने करना है कि आ जाएगा पी एक्स आ जाएगा प्लस पी वाई आ जाएगा प्लस पी जी आ जाएगा और उसके साथ एक एस आ जाएगा। ये इसके 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं बेंजीन का, और ये हम पहले हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में पहले बात भी कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन के बारे में आपने जो जानते पॉइंट पहले कर दिए कि बेंजीन की जब हम बात करते हैं तो बेंजीन की अंदर जो होती है हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन की जो होती है हाइब्रिडाइजेशन आप उसको करेंगे इसके अंदर आ जाएगी, जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आ जाएगी sp2, क्या आ जाएगी sp2 आ जाएगी। बात समझागी ना, बेंजीन के अंदर क्या आ जाएगा, जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो कौन सी आएगी, sp2 आएगी। अब sp2 में क्या होता है, sp2 में ये होता है कि अगर इसके मैं स्ट्रक्चर को लगा के लिख देता हूँ, यहाँ पे ये होगा कि ओनली 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, क्या होता है इसके अंदर एक s होगा और 2p होंगे, वो क्या काम करेंगे बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग में जाएंगे। अब उसके बाद कौन कौन से बॉन्डिंग हिस्सा ले लेंगे, इसका s आ जाएगा, उसके बाद पी एक्स आ जाएगा और उसके बाद जो पी वाई है ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, ये क्या काम करेंगे बेंजीन की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद जो पी सी होगा ये क्या काम करेगा, नॉट इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। बात समझा दी ना, बेंजीन के बारे में हमने ये करना है कि ये तो बॉन्डिंग में जाएगा लेकिन इसका जो पी जी है ये पी जी है, इसका जो पी सी है ये पी सी जो है ये बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ये भी बात। अब ये पी सी क्या काम करेगा, पहले आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लें और उसके बाद पी सी की भी साथ बात करते जाते हैं कि पी सी ने क्या काम करना है। अब पी सी अगर आप ये देखिए, मैं फर्स्ट का लेता हूँ, ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकेंड है, ये कार्बन थर्ड है, कार्बन फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये 6 कार्बन। हमने बेंजीन के अंदर 6 कार्बन की बात की हुई है ना, तो ये इस तरह हमने 6 कार्बन यहाँ पे ड्रा कर दिए हैं, ठीक होगी बात। अब होता क्या है, होता ये वाला है एक कार्बन के पास पी कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स पी वाई और पी जी होते हैं। तो इसका क्या काम करेगा कि पी एक्स इसके हम जब बात कर लेंगे, इसके हम बात कर लेते हैं इस कार्बन की, ये इसका आ जाएगा पी एक्स इधर ओवरलैप कर जाएगा, इसका आ जाएगा पी वाई, ये इसका आ जाएगा पी जी, इसका आ जाएगा पी जी आ जाएगा। अब ये दूसरी कार्बन की बात कर लेते हैं, इसका होगा पी एक्स, ये इसका आ जाएगा पी वाई, ये इसका आ जाएगा पी जी आ जाएगा। अब इस कार्बन की बात कर ले, ये पी वाई आ जाएगा, ये पी एक्स आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, पी जी आएगा। इसी तरह हर कार्बन के पास इसके जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या काम करेंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते जाएंगे, क्या काम करते जाएंगे, बॉन्डिंग में हिस्सा लेते जाएंगे।
अब मैं बाकी आपको ये समझा देता हूँ होता क्या है। एक्चुअल में आप ये कहते हो कि पी की शेप कुछ यूं होती है, ठीक होगी बात। जब आप पी को पी के साथ ओवरलैप करवा लेते हो तो ये पी दूसरा आ जाएगा। जब इन दोनों को हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो ओवरलैपिंग करने के बाद इसकी शेप कुछ यूं हो जाएगी, बाकी दो लोग समान हो जाएंगे, सही होगी बात। तो ये जो लोग समान हो गए हम उसको पेज के ऊपर ड्रा नहीं कर देंगे, तो मैं उसको भी यहाँ पे ड्रा नहीं कर रहा, सही होगी बात। एक्चुअल में होगा क्या, आप देखें जरा, होगा ये वाला, इस कार्बन का एक्स आएगा, यूं ओवरलैप कर देगा दरमियान में, आप इधर का दूसरा लोग खत्म, इसका दूसरा लोग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो वो जो लोग खत्म होगा हम इसको यहाँ पे शो नहीं कर रहे। अब होता क्या है कि अगर हम इस पर फर्ज कर लेते हैं कि ये यहाँ पे आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे, अगर इसका एक्स आता है इसका एक्स आ जाएगा, ये दोनों ओवरलैपिंग कर जाएंगे, इसके बाकी दोनों लोग खत्म हो गए, उसमें यहाँ पे ड्रा नहीं किया। इसी तरह जब ये आएंगे यहाँ पे ओवरलैपिंग करके तो इसका दूसरा खत्म, इधर का दूसरा लोग इसका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे, उस तरह यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग करेंगे, सही होगी बात। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब अगर इसका एक्स देखते हैं, इसके एक्स का ओवरलैपिंग करेगा, इसके एक्स दूसरा भी खत्म, इसका दूसरा लोग भी खत्म हो जाएगा। उसी तरह इसका अगर हम एक्स देते, इसका वाई देते हैं, इधर वाई के साथ करेगा, एक तरफ से एक्स से, एक तरफ से वाई से। मैं ए को समझा देता हूँ। होता क्या है कि अगर ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, सपोज ये एक्स है या वाई कोई भी हो सकता है, दोनों के दरमियान ऐसे काम होगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी बॉन्डिंग करने के लिए, इसकी उधर जाएगी उसकी इधर आ जाएगी, ताकि यहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो जाए। तब ओवरलैपिंग मैक्सिमम होने के लिए क्या काम करेगा, ये डेंसिटी इधर को मूव कर जाएगी और ये डेंसिटी इधर को मूव करेगी। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियस आ जाएगी और उसके दूसरे लोग क्या हो जाएंगे, वो स्मॉल हो जाएंगे। जो स्मॉल हो जाएंगे उसको पेज के ऊपर ड्रा नहीं किया। अब चूंकि जो पी जी है वो बॉन्डिंग निशान नहीं रहेगा, तो पी जी क्या काम करेगा कि वो होगा एट राइट एंगल, सेम प्लेन में, कहां पे आ जाएगा, सेम प्लेन में आ जाएगा। अब ये क्या काम करेंगे, अब सेम प्लेन में आने के बाद इसने यहाँ पे दो काम करने हैं। वो कौन से काम करने हैं, वो पहला तरीकेकार ये है कि ये इधर ओवरलैपिंग कर जाएगा ऊपर से, ये उसके बाद ये इधर से ओवरलैपिंग करेगा ऊपर, ये इधर ओवरलैपिंग करेगा। आप जो ऊपर खड़े हुए हैं इसके पी के ऑर्बिटल, वो ऊपर वाले आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे, सही होगी बात। और नीचे वाले क्या काम करेंगे, नीचे वाले ऑर्बिटल अब आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इसका नीचे वाला भी ड्रा करने वाला है, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे। अब कैसे ओवरलैपिंग करेंगे, आप इसको देख लें जरा, सही होगी बात। और होता क्या है, आप इसको ये देखें, अगर आप फर्ज कर रहे हैं कि अबाव द प्लेन बॉन्डिंग है, बिलो द प्लेन बॉन्डिंग है, ये अबाव द प्लेन, उसके बाद ये बिलो द प्लेन पड़े हुए हैं, तो ये ऊपर वाले ओवरलैपिंग कर देंगे, नीचे वाले ओवरलैपिंग आपस में नीचे कर देंगे। और होता क्या है, मैं इसको बाद में जस्टिफाई करता हूँ। आप ये करेंगे कि अगर ये फर्ज कर लें कार्बन वन है, कार्बन टू, कार्बन थ्री, कार्बन फोर, कार्बन फाइव, कार्बन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स कार्बन, सही होगी बात। ये जो जब डायरेक्ट ओवरलैपिंग किया है, ये तो सिंगल बॉन्ड यहाँ बनेगा ना, ठीक होगी बात। ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की हुई है, ये हुई है, इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो ये मैंने कंप्लीट लाइन के साथ शो कर दिया। अब होता क्या है कि वो जो ऊपर जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ये क्या बॉन्डिंग करेंगे, इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो होती है डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग, इसकी होगी डीलोकलाइज्ड, इसकी बॉन्डिंग होगी डीलोकलाइज्ड से क्या बुलाता है कि इसके जो ऑर्बिटल होंगे वो आपस में एक दूसरे बॉन्ड टूटता जाएगा, दूसरे के साथ बनता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जैसे क्लाउड की फॉर्म उसके ऊपर घूमती रहेगी। अब होगा क्या कि अगर फर्स्ट केस में अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड आता है, तो मैंने रेड के साथ शो किया, तो यहाँ भी रेड के साथ शो कर देता हूँ। तो अगर इन दोनों के दरमियान बॉन्ड आता है, ठीक होगी बात, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इनके दरमियान बन जाएगा, सही होगी बात, ये आगे बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटते जाएंगे, सही होगी बात,
और ये वाले बनते जाएंगे। अब अगर दूसरा इसका केस कौन सा हो सकता है, दूसरा इसका केस वो ये पॉसिबल है, तो वो दूसरा केस कौन सा पॉसिबल है आप उसकी बात करने जा रहे हैं जी। तो इसका जो दूसरा केस पॉसिबल है वो ये वाला हो सकता है, ये आ जाएगा उसके बाद ये आ जाएगा उसके बाद ये आ जाएगा, सही होगी बात। ये इसका पहले केस में क्या है कि मैंने पहले ये बताया है ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लाउड की फॉर्म में होगी, वो रिंग के ऊपर यूँ घूमती रहेगी। अब घूमेगी तो एक मतलब में इन दो दरमियान बॉन्ड डबल होगा, दूसरे केस इन दोनों दरमियान बॉन्ड होगा, अगर इधर से बॉन्ड टूटेगा इधर बन जाएगा, इधर टूटेगा इधर बन जाएगा, सही होगी बात। तो ये क्लाउड की फॉर्म में यहाँ पे घूमता रहेगा और ये दो दो स्ट्रक्चर जो थी यही दोनों स्ट्रक्चर दिए थे किसने, कैप्यूल ने, क्या काम किया था कैप्यूल ने, यही दोनों स्ट्रक्चर्स हमें दी थी। तो जी आज हमने जो किया है, आज हमने बता दिया कि बेंजीन का कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो उसमें अगर आप बेंजीन के स्ट्रक्चर को, मैंने ये इसका ऑर्बिटल का शो कर दिया है, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, तो आपने क्या काम करना है, आप ये करेंगे कि ये कार्बन यहाँ पे कॉर्नर पे तो कार्बन है ना, आपने ये फर्ज कर लिया कि कॉर्नर पे तो कार्बन पड़ी हुई है। तो अगर मैं इसके जस्ट पी ऑर्बिटल को ही शो कर देता हूँ, तो ये इधर अबाव द प्लेन ये वो नहीं करते जाएंगे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ दूसरे का, तो इसको ये शो कर देता हूँ कि ये अबाव द प्लेन बॉन्डिंग में आ जाएंगे, ये अबाव द प्लेन बॉन्डिंग कर जाएंगे, और उसके बाद जो दूसरे वाला होगा ये क्या काम करेगा, बिलो द प्लेन बॉन्डिंग करेंगे और ये एक रिंग की फॉर्म में पूरे के ऊपर ये रिंग के ऊपर घूमता रहेगा, ठीक होगी बात। तो आज जो हमने किया है, हमने और मॉडर्न कॉन्सेप्ट का ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट का ओवरलैपिंग का वो भी हमने आज अपना मुकम्मल कर दिया है। अब पीछे एक रह गया कि डी लोकलाइज करता है, डी लोकलाइज कर देते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजिशन यहाँ पे फिक्स नहीं है, सही होगी बात। क्या है कि डबल बॉन्ड की यहाँ पे पोजिशन फिक्स नहीं है, और ये इसकी डबल बॉन्ड का फिक्स जो आप कैलकुल की बात करेंगे, कैलकुल का हमने दो स्ट्रक्चर प्रपोज तो कर लिए हैं, लेकिन ये दो कैलकुल के स्ट्रक्चर में खामियां भी हैं। कौन सी कि अगर इसकी बात करेंगे तो ये दो के दरमियान डबल बॉन्ड आ गया, क्या शो करता है कि बेंजीन का यहाँ डबल बॉन्ड फिक्स हो गया है, अगर इनके दरमियान आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे फिक्स है, बात समझ आ गई। लेकिन बेंजीन में डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होता, वो क्या होता है डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइज से काम आता है वो रिंग के ऊपर कंटिन्यूसली वाइब्रेट घूमता रहता है, एक तरह से बॉन्ड टूटेगा दूसरे के साथ जाके बन जाएगा। अब इसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन के रिएक्शन भी डिफरेंट होते हैं, किस कंपाउंड के साथ कैसा रिएक्शन देता है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।